नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट्स, सब बच्चे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन बुक। ठीक है बच्चे, क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैं बच्चे एक बात कहूंगा कि आप जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जरूर देखें। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एग्जिस्ट By using completing the square method। आपको बच्चे क्वेश्चन नंबर वन में फोर पार्ट्स गिवन है, आपने पहले तो चेक करना है कि इनके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो बच्चे उनको फाइंड आउट करना है आपने by using the completing the square method। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर वन का, 2x² - 7x + 3 = 0। देखो बेटा, पहले हमें आपको बता रखा है बच्चे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हाउ टू चेक आउट दैट गिवन इक्वेशंस हैव रियल रूट्स और नॉट, इनके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो बेटे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हियर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 3। ओके, तो फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे b² - 4ac हम फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे ये जो वैल्यू है हमारी वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ओके, और बेसिकली क्या होता है बच्चा, आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, इक्वल्स टू b मींस -7 का स्क्वायर - 4 * a = 2 * c = 3। तो हो जाएगा आपका कितना, 7 का स्क्वायर कितना, 49, माइनस का स्क्वायर तो पता है पॉजिटिव होता है 24, तो ये आपका आगे 25 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो इट मींस रूट्स विल एग्जिस्ट। ओके, तो इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बात समझ में क्या बात हो गया। अब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स में कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, नाउ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखिए बच्चे, फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना होता है, आपको मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। अब इसके कोफिशिएंट को 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कोफिशिएंट है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2x² - 7x / 2 + 3y² = 0y2। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन है तो यहां तक, नो कंफ्यूजन, लेट्स कंटिन्यू दैट। देखिए बेटा, ये हो जाएगा हमारा x² और ये हो जाएगा हमारा 7/2 × x 3/2 = 0। ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चे देखो, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है x के उसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बेटा बात सुन लो, ध्यान समझो, आपको मिल गया x² - 2 * a * b। ठीक है, देखो बेटा, अब बात सुनते हैं, इतनी बात क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है, यहां से 2 और x को छोड़ करके बाकी जो पार्ट बचा उसके स्क्वायर को आप ऐड भी करिए और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखो कैसे, x² - 2 * 7/4 * x + 7/4 2 + 3/2 आपका है ऑलरेडी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लीजिए बच्चे, कोई कंफ्यूजन है आज तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बच्चे एक बात समझो, आपको एक एंट्री मिलती, कौन सी वाली, a - b² वाली, कैसे लिखो, a² - 2 * a * b + b² है नहीं बच्चे, देखो ना ये पूरी इक्वेशन यहां तक है ना, और यहां पर a कितना है आपका, कितना हमारा हो जाएगा, x हो जाएगा यहां पर और b हो जाएगा हमारा 7/4। ओके, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a - b² बिकॉज यहां पर क्या नेगेटिव साइन है। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा हमारा 7/4 2 + 3/2 = 0। देख लीजिए, ओके, अब देखिए बच्चे आगे सुनिए, ये हो जाएगा x - 7/4 2, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16 + 3/2 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर है, देख लो यहां तक, अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है,
और अगर बच्चे कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे, इतना आप नोट डाउन कीजिए। ये जो पार्ट आपका है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम राइट हैंड साइड में लेकर बताते हैं। हम यहां से मिल जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में ये आपका इधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 49/16 और ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16 49 माइनस 24। चेक कर लीजिए बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक ये होगा ना, इन दोनों को जब सॉल्व आउट करेंगे आप तो, ठीक है ओके। अब यहां से आपको मिलेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, क्लियर है। अब देखिए बच्चे, अब यहां से अगला स्टेप आपका ये आएगा, देखो बेटा अब क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट करना है दोनों साइड का, ठीक है। टेक द स्क्वायर रूट बोथ द साइड, यू विल गेट x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25/16, ठीक है बच्चे बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है। तो यहां से मिल गया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, ओके स्टूडेंट्स ओके। अब एक काम करना बेटा, एक बार आपने प्लस माइनस प्लस 5/4 लेना है और एक बार आपने माइनस 5/4 लेना है, ठीक है। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो कंटिन्यू करें आगे थोड़ा सा, बात समझ में आ गई, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब एक काम करेंगे आप, एक बार जो है प्लस वैल्यू लीजिए 5/4, तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 इक्वल टू देगा 12/4, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 3, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, ओके ठीक है। एक रूट आपको मिल गया, दैट इज 3। अब सेकंड रूट आप निकालेंगे बाय टेकिंग द वैल्यू एज मैग्नीट्यूड, ओके। देन यू विल गेट x इक्वल्स टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, यू विल गेट 2/4, दैट इज 1/3, ओके। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द रूट्स आर x इक्वल्स टू 3 एंड 1/3, ओके। देयरफॉर रूट्स ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर है, चेक कर लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन होती है किसी स्टेप में तो आप कमेंट करके जरूर जाएंगे बच्चे, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ओके। तो बात करें फिर नेक्स्ट पार्ट किसकी, ओके ना। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट, आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की। द क्वेश्चन इज 2x² + x - 4, ओके। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहले तो हम चेक करेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर बच्चे देखो, हियर a इज 2 b इज 1 एंड c इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² - 4ac, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर -4 * a इज 2 एंड c इज -4, ये कितना हो जाएगा 4 2 8 8 4 32, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 33, ओके, विच इज ग्रेटर देन 0, ओके। दैट मींस देयरफॉर रूट्स विल एग्जिस्ट, ओके, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ओके। अब हमें रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ओके। लेट्स कंटिन्यू दैट। अब देखिए बात मुझे ध्यान समझना, आपको पता है इसमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली बात है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, ओके। और वो कैसे होगा, वैल्यू डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, ओके। अब देखो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, गिवन इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चे, जब हमने उसे डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा कंक्लूजन, यहां से देखिए बेटा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस में एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा -2 = 0, चेक कर लीजिए।
ओके, 4 डिवाइड बाय 2 ऑब्वियसली ना 2 आएगा, ओके दैट। अब अगला स्टेप क्या होता है बच्चे, आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से डिवाइड भी करना है। अब देखिए, अब यहां से आपको मिलेगा प्लस 2 इंटू, ये हो जाएगा हमारा x बाय 2, और 2 से आपने डिवाइड भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में क्या, बात समझ में। आपने क्या करना होता है बच्चे नेक्स्ट स्टेप में, 2 इंटू x को छोड़ करके, 2 और x को छोड़ करके जो बाकी पोर्शन बचा होता है उसके स्क्वायर को आप ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। देखो बच्चे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 इंटू x, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब यू कि 1 अपॉन में जो 4 आपका है, ठीक है, इसके स्क्वायर को हमें ऐड भी करना सबट्रैक्ट भी करना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू x ओके डिवाइड बाय 4। ठीक है बच्चे, तो आपने क्या करना है 1 बाय 4 के स्क्वायर को ऐड भी करना है और 1 बाय 4 के स्क्वायर को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, और माइनस में 2 तो ऑलरेडी यहां पर मेंशन है। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये जो पूरा पोर्शन आपका यहां से आता है, क्या यहां पर कोई आइडेंटिटी लग रही है आपकी? लग रही है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस यहां पर देखो बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है आपका एक्स और बी कितना 1 बाय 4। लिखेंगे आप इसको इस तरीके से x प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, माइनस में देखो, माइनस में 1 अपॉन 4 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और 4 का स्क्वायर देगा 16, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, क्लियर है बात बच्चे यहां तक? देख लो एक बार, चेक कर लो, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 16 प्लस 2। ओके, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चे, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं आता। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर आपको हो गया। अब बच्चे हम उसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाय 1, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चे यहां से 32। ओके, दैट मींस x प्लस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33 डिवाइड बाय 16। ओके, अब आपने क्या करना है बच्चे, देखो आपने दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा बच्चे, ये स्क्वायर हट जाएगा यहां से, और यहां पर हमें मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 16। ओके, जो कि होता है हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है तुम? ओके यार, ओके, तो एक काम करेंगे बच्चे, एक बार आप प्लस साइन लीजिए, एक बार आप माइनस साइन लीजिए, और वहां से फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा, अगर हम प्लस लेते तो हमें मिलता है एक्स प्लस 1 बाय 4 इक्वल्स टू रूट 33 डिवाइड बाय 4। फ्रॉम हियर यू विल गेट x इक्वल्स टू रूट 33 बाय 4 माइनस 1 बाय 4। ओके, इतनी बात देखिए स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर होगी आपको? ओके, वेरी गुड। अब बेटा सुनो, बेटा यहां से देखो, इन दोनों के डिनोमिनेटर 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहां से रूट 33 माइनस 1 अपॉन में 4। तो एक रूट तो हमारा ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे दूसरा रूट हमारा निकलेगा नेगेटिव वैल्यू को लेकर के, माइनस रूट 33 बाय 4। फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट 33 बाय 4 माइनस 1 बाय 4। ओके, फ्रॉम हियर यू विल गेट रूट 33 माइनस 1 अपॉन में। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू हमारी ये आ गई। ओके, इज इट क्लियर? कंफर्म है बच्चे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमें दो रूट्स मिल गए, देयरफॉर ठीक है बच्चे, तो यहां से हमें दो रूट्स मिल गए, देयरफॉर रूट्स आर, एक हमारा है रूट 33 माइनस 1 बाय 4, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एंड माइनस रूट 33 प्लस 1 बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर भी कन्फ्यूजन है कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बात करते हैं बच्चे थर्ड पार्ट की, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए इतना पोर्शन। ठीक है, फिर कंटिन्यू। ठीक है बच्चे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के थर्ड पार्ट की। देखो गिवन के आपको 4x² + 4√3x + 3 = 0। पहले हम चेक करेंगे इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। Here, a is equals to 4, b is equals to 4√3 and c is equals to 3. Okay, तो first of all हम find करेंगे b² - 4ac. Okay, that is b² - 4√3² - 4 × a = 4 and c = 3. Okay, अब बढ़ा। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ये हो जाएगा हमारा 48। ओके, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा 48। तो हमारा कितना निकल रहा है, 0 आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात हो गया, मैंने आपको इंट्रो पार्ट में समझाया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac 0 आता है या पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब रियल रूट उसके एडजस्ट करेंगे। ओके, और नेगेटिव आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन वो इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर देखो इक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट। ओके, इक्वल रूट्स निकलेंगे। अब उसको अब बच्चे आपने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम लिखेंगे यहां पर बच्चे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या होता है फर्स्ट स्टेप, x² के कोफिशिएंट को 1 करना, और यहां पर क्या है 4 है, तो क्या करना पड़ेगा हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 4 यू विल गेट, क्या मिलेगा बच्चे इस तरीके से होगा। देखिए अब यहां से जो वैल्यूज हमारी आएंगी वो आएगी हमारी x². ठीक है, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, जाएगा हमारा प्लस में √3 × x। ओके, और प्लस में हमारे पास है 3/4 = 0। ठीक है बच्चे, बात क्लियर है, चेक कर लो एक बार आता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं कोई। ओके, था अगला स्टेप, सेकंड स्टेप, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2। अब आपने क्या करना है, x के कोफिशिएंट को 2 से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से आपने डिवाइड भी करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात सुन बेटा, अब आपने क्या करना है, 2 और x को छोड़ करके जो पोर्शन बचा आपका उसके स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 2 × √3/2 × x प्लस भी करना है आपने √3/2 के स्क्वायर को और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, और प्लस में 3/4 तो ऑलरेडी है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब बात सुनो बेटा, यहां पर लगेगा आपका a² + 2 × a × b + b² यानी कि a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ये आपकी आपकी जो बच्चे एक्सपेंडेड फॉर्म में है इसको आप कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में, a + b की फॉर्म में। ठीक है, देखो अब यहां से हमें मिलेगा a यहां पर x है और b कितना आपका √3/2 है, होल स्क्वायर हो जाएगा यहां से यहां तक का पोर्शन। ठीक है, और ये बचा हुआ माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर। आपको पता बच्चे √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है और 2 का होता है 4। ठीक है, अब ध्यान समझो बेटा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस में 3/4 है और प्लस में 3/4 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से हमें मिलेगा x + √3/2 का होल स्क्वायर = 0। ठीक है बच्चे, बात क्लियर है यहां तक। उसके बाद जब बच्चे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता है 0 का स्क्वायर √0 होता है, तो x की वैल्यू आप क्या जाएगी कितनी, -√3/2। ओके, और दो रूट निकलते हैं इक्वल रूट, यानी कि दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, -√3/2। ठीक है बच्चे, तो आप इतना नोट कीजिए फिर फाइनल आंसर हम फाइनल करें। देखिए बच्चे इतनी बात आपको क्लियर हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे, अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए बना यहां से मिलेगा आपको x² + √3/2 = 0।
जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है और जीरो के आगे कोई वैल्यू नहीं लगती ना बच्चे, आपको पता ना, ना ही जीरो नेगेटिव होता है ना ही जीरो पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, ओके। फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू। ओके, अब बच्चा आपको पता है इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ऑलरेडी, बात हो तो आपको पता ही था, तभी तो एग्जिस्ट करें यहाँ पर, है ना, और इसके इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां से हमें मिलता है बच्चे देखो, देयरफॉर रूट्स आर माइनस रूट थ्री बाय टू एंड माइनस रूट थ्री बाय टू। ठीक है, दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर आप इसको नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की फोर्थ पार्ट की। द फोर्थ पार्ट इज दैट 2x square plus x plus 4 equals to 0। आपने इस equation को पहले चेकआउट करना है कि real roots exist करेंगे कि नहीं करेंगे, then आपने completing the square method से solve out करना है। देखो बेटा, आपको बच्चे देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर here a is 2, b is 1 and c is 4। कोई confusion नहीं, very good। पहले आप find out करेंगे discriminant, that is b square minus 4ac। okay, b is 1 का square माइनस फोर इंटू ए इज टू एंड सी इज फोर। ठीक है बच्चे, आप देखिए बात, अब बात सुन, ये हो गया वन, ये हो गया हमारा फोर टू सा एट, एट फोर सर कितना होता है 32, माइनस 32। ठीक है, तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस 31। ठीक है बच्चे, बात क्लियर है? देखो बड़ा, अब यहां से क्या हुआ, हमारा जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है दैट इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स देयरफॉर नो रूट्स विल एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई है? तो बच्चे आप मेरी बात सुनो, अगर रियल रूट्स यहां पर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व आउट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चे, बात क्लियर है? देखो यहां पर ना हमारा जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, वो नेगेटिव आ रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव आता है तो आपको पता है बच्चे इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो फर्दर हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर फर्दर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, स्क्वायर वाला पार्ट जो नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और वहां से भी इंडिकेट हो जाता है कि हाँ इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो बच्चे ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर वन के फोर पार्ट्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन डाउट होती तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चे, ओके ओके, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर टू के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।